तो हमारा देश एक ऐसा नहीं है ना कि कोई भी आए घुसपैठ कर ले और यहीं रह जाए। उस वो लेडी ऐसी है, उसका कोई करेक्टर नहीं है, वो कुछ भी युवा को बर्बाद ही करेगी, वो यहाँ पर तो कुछ नहीं करेगी, हमारा युवा बर्बाद होगा। तो अब उसके बच्चे अगर बाप के साथ जाना चाह रहे हैं, और उसके बाप को ही मिलने चाहिए, वैसे एक्चुअल में वहीं की नागरिकता है और इसके बाप को ही बच्चे मिलने। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर हमारे देश में घुस कर आ चुकी थी, 18 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका अब तक हमारे देश में बनी हुई है, ना सरकारें देख रही हैं ना कोई और देख रहा है। अब उसका पति आ रहा है गुलाम हैदर अपने बच्चों की कस्टडी लेने। पहले तो आंटी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आंटी सीमा हैदर को किस तरीके से देख रही हैं, जो 18 महीने से हमारे देश की सरजमीन पर गढ़ के बैठ गई और निकलने का नाम नहीं ले रही। पहले इसके बारे में बताइए, क्या विचार रखती है? नहीं, मैं सीमा हैदर के बारे में यही विचार रखती हूँ कि ये जो आई है बहुत गलत तरीके से और चोरी से घुसी है। लीगल तरीके से तो देश में आई नहीं है, है ना, चोरी से घुसी है, घुसपैठ की है। तो हमारा देश एक ऐसा नहीं है ना कि कोई भी आए घुसपैठ कर ले और यहीं रह जाए। तो ये इसको जाना ही, मैं तो कहती हूँ बच्चों को नहीं, इसको खुद को भी जाना ही चाहिए और हमारी सरकार को इस पर एकदम एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक आई इसके बाद फिर दूसरी भी आई और ऐसे केसेस बहुत चले। एक हमारे यहाँ से गई और उनके पति थे अंजू, तो ऐसे केसेस ये बहुत गलत, मतलब एक जो है ना आईना हमारे देश के आगे रख रहे हैं। तो सीमा हैदर को बाहर जाना चाहिए और अपने बच्चों के साथ लेके इसको जाना ही चाहिए। कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो कहते हैं भाभी बड़ी प्यारी है, भाभी को यही रहने देना चाहिए, उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ युवाएं भटक गए हैं, अब उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं तो ऐसा है कि हमारे देश के कुछ युवा जो भटके हुए हैं ना, वो तो मतलब आपको क्या बताऊं कि यहाँ के हमारे अपने लेडीज़ के लिए भी अगर कुछ होगा, कुछ भी बात होती है तो वो गलत नज़रिए से, तो उनको कोई लेना देना देश से नहीं है। बस उनको अपना गलत मकसद, उनसे वो कहीं भी जा रही हैं उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको पैसा मिलना चाहिए। कोई जा रहा है उनके साथ, कोई कर रहा है, वो क्या मतलब जा रही हैं घूमने, तो उनको पैसा मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलनी चाहिए। वो कुछ भी करने को तैयार है, जो अपने पति को छोड़ के आ गई और जिस मकसद से आई है देश को बर्बाद करने। तो यहाँ के युवा जो है ना, उस वो लेडी ऐसी है, उसका कोई करेक्टर नहीं है, वो कुछ भी युवा को बर्बाद ही करेगी, वो यहाँ पर तो कुछ नहीं करेगी, हमारा युवा बर्बाद होगा। उसको ऐसे वो फ्री में पैसा ले रही है और पैसा बर्बाद हो रहा है, तो युवाओं को बर्बाद कर दिया। इस लेडी को यहाँ से जाना चाहिए और उसका अपने बच्चों को भी साथ लेके जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर हमने कहते हैं ना, कोई धर्मशाला नहीं खोली कि जो भी आए रह जाए, चार बच्चे और 10 बच्चे लेके आए और रह जाए। अच्छा आंटी, उनके वकील हैं एपी सिंह, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा था, जो हमारी दिल्ली की बेटी थी, वो सीमा हैदर के भी वकील बनते और कहते हैं ये मेरी बहन बन गई है, इसको मैं देश से जाने नहीं दूंगा, कोई भी ताकत लगा लो, कुछ भी कर लो, मैं सरकार चला रहा हूँ, मैं जाने नहीं दूंगा। नहीं देखो, सरकार वो एपी सिंह चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, मैं कहती हूँ वकील है उनके, पर जो गलत है वकील है। देखो वकील जो है ना, मान लो मैं भी कोई वकील करती हूँ, वकील तो मेरे हक में लड़ेगा चाहे मैं गलत हूँ, पर मैं कहती हूँ जो दूसरे साइड का है, सरकार के वकील है, सरकार है, जो सरकार को इस केस में इनको निकालना ही चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में फैसला देना चाहिए, देश के हित में फैसला देना चाहिए कि ऐसे लोग बाहर जाने चाहिए। उसका पाकिस्तानी पति जो है गुलाम हैदर, अब वो भारत आने वाला है, उसको 1 महीने का वीज़ा लग गया, 30 दिन का वीज़ा लग गया। क्या लगता है, एक महिला होने के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक माँ भी हूँ आप, तो एक पिता की भी एक भूमिका होती है, वो पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, तो क्या एक पिता का अधिकार है कि उसको उसके बच्चे वापस मिलने चाहिए जब एक माँ उसको लेकर भाग गई बिना बताए? नहीं बिल्कुल, पिता को बिल्कुल हक है, जैसे इंडिया में भी होता है कि अगर कोई डाइवोर्स हो रहा है या तो अगर वो कस्टडी, मान लीजिए पत्नी, अभी तो इसको कस्टडी किसी ने दी नहीं है कोर्ट ने, ये तो भाग के आई है, डाइवोर्स भी नहीं लिया, कस्टडी भी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो भागी हुई मतलब भगोड़ी है, ठीक है। और इसका पति भी कोई लीगल नहीं है, वो जो है ना ऐसे ही शादी करी उसके साथ भाग ली और ये मतलब बर्बाद ही कर रहे हैं, और करेक्टर बिल्कुल करेक्टर की ठीक नहीं है ये। इस हिसाब से तो हम यही कहेंगे कि करेक्टर उसका ख़राब है जो भाग के आई है। अगर तुम्हें था शादी करती, करो यहाँ पे शादी, लीगली कहाँ पर शादी करी तुमने, ठीक है। उसके बाद कस्टडी होने के बाद भी अगर कोई यहाँ पर ऐसा केस होता है जब, तो कस्टडी में बाप को भी अधिकार होता है कि वो इतने इतने टाइम बाद मिलेगा और जाएगा और आएगा। पर ये तो विदेश की बात हो गई, अब इतना तो बार बार ना तो उसको कस्टडी में यहाँ आने देंगे, बार बार इंडिया भी नहीं, उसको बार बार वीज़ा उसको मिलेगा वहाँ से और ये इंडिया आने भी नहीं दे। पर उसका बढ़िया तरीका यही है कि जो ये अपनी मर्जी से आई शादी करके और बच्चों को बहला फुसला के ले आई, माइनर बच्चों को, तो अब उसके बच्चे अगर बाप के साथ जाना चाह रहे हैं और उसके बाप को ही मिलने चाहिए, वैसे एक्चुअल में वहीं की नागरिकता है और इसके बाप को ही बच्चे मिलने चाहिए। आखिरी सवाल आपसे मैं पूछता हूँ, कुछ लोग जो सचिन को देखते हैं कहते हैं कि प्यार का चक्कर नहीं हो सकता, कुछ उसे लप्पू और झिंगुर बताते हैं, तो क्या लगता है सच में सीमा सचिन के प्यार के चक्कर में आई है या फिर कुछ और मकसद हो सकता है?
नहीं, ये कुछ और मकसद है, ये देश को तोड़ने वाली है और अंदर ही अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही है। लप्पू और झिंगर कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं उसको, पर ये बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इसमें वो उसके भी, इसका क्या, सचिन, इसकी भी पूरी जाँच होनी चाहिए और इसकी भी पूरी जाँच होनी चाहिए। जिस तरीके से देखा आपने सीमा हैदर पर आंटी की राय, किस तरीके से बताया कि एक कुछ बड़ा मकसद हो सकता है देश में आने के पीछे और कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए, उस पर तत्काल फैसला होना चाहिए। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।